नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल ई मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को ई मित्र के एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है RSMP ऐप। दोस्तों इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे राजस्थान सरकार का मकसद क्या है, इसके बारे में पूरा वीडियो है। दोस्तों RSMP ऐप क्या काम आएगा, इसका आप उपयोग कैसे क्या कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक सरल भाषा में अगर कहा जाए तो कोरोना इमरजेंसी वार रूम के रूप में भी इसे यूज लिया जा सकता है। तो इसे यूज कैसे लेना है, इसे इंस्टॉल कैसे करना है और यहाँ पर आपको इसका इंटरफेस कैसे क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया है उसके बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 26/3/2020 को आज की डेट पर ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिय कियोस्क, राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण से बचाव व राहत के लिए इमरजेंसी बार रूम की स्थापना की गई है। ई मित्र धारक सरकार के अभिन्न अंग है और आपसे इस विपदा की घड़ी में सहयोग की अपेक्षा की जाती है। आप निम्न लिंक से ऐप को डाउनलोड करें तथा ऐप में पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब पूर्ण जिम्मेदारी से देवे। सभी कियोस्क के लिए है अनिवार्य है विस्तृत गाइडलाइन ई मित्र पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन से देखें। निवेदक आर.के. शर्मा, ई मित्र प्रभारी। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पर ऐप का लिंक भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट ऐप का लिंक भी दिया गया है और यहाँ पर एक गाइडलाइन भी दी गई है। तो सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं जो गाइडलाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर दी रखी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने गाइडलाइन पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक PDF फाइल ओपन हो गई है। तो यहाँ पर इस ऐप से संबंधित इंस्टॉलिंग वगैरह की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, RSMP आपको ऐप को सर्च करना है। तो यहाँ पर इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है और कैसे क्या आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है उसकी भी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हालांकि मैं आपको पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, फिर भी जो गाइडलाइन आई है उसको पढ़ लेना जरूरी है। मान लो अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो आप इस गाइडलाइन को पढ़कर ही भी आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले वो उस लिंक पर जाना है जो लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है डायरेक्ट ऐप का। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने उस ऐप को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी, तो आप भी इसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसका यहाँ पर एक्सेस मांगा जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको जो मीडिया फोटो वगैरह उसका भी यहाँ पर एक्सेस मांगा जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आपको कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप एक ई मित्र धारक है तो आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है जो आपके ई मित्र की प्रोफाइल में अपडेट है, जिस पर आपको ई मित्र के मैसेज वगैरह मिलते हैं। तो जो मेरा नंबर है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फटाफट से। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू वाले वो बटन पर क्लिक करोगे तो आपके फोन पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का, वो आपको यहां पर एंटर करना है। तो यहां पर दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पर OTP आ चुका है, तो यहां पर मैं इसको यहां पर डाल देता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने OTP यहां पर डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सिंपली वैलिडेट OTP करना है। तो दोस्तों यहां पर आपको अपनी फोटो, नाम और अपना सेगमेंट चूज करना होता है, यानी कि आप सिटीजन है या BLO है या ई मित्र है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ ई मित्र धारक, तो यहाँ पर मैं सिंपली ई मित्र पर क्लिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एरो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप एरो वाले बटन पर क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पर कुछ सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर चल जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली इसको ऑटो स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको इस तरह से ऑटो स्टार्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको वापस बैक आ जाना है। तो दोस्तों आपका जो ऐप है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के, तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको काफी सारी डिटेल मिल चुकी है, माई चैनल, वाई एंड सेल, गो लाइव, स्काई ट्यूब, स्काई
एड्स, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है और आपको यहाँ पर पूरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर चैट का मिल गया, यहाँ पर ग्रुप का, सब ग्रुप, वीडियोज, चैनल और यहाँ पर कॉल वगैरह के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन और मिलता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट सीधे लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर अपना जो भी आप जो भी राशि यहाँ पर देना चाहते हैं सहायता कोष में, तो वो आप यहाँ सिंपली दे सकते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर इस तरह से ये काम करता है पूरा का पूरा ऐप। और यहाँ पर नीचे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि कोविड हो गया, ई मित्र, BLO और यहाँ पर कॉल का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सर्वे करने के लिए करना क्या होगा, सिंपली आपको जाना होगा यहाँ पर COVID-19 जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको जो सिटीजन सर्वे है वो करना होगा, तो यहाँ पर सिटीजन सर्वे हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर सही सही इनका जवाब देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपके ज़िले का नाम चूज करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर आपके घर के कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है, बताना है कि क्या घर में से किसी व्यक्ति ने पिछले 15 दिनों में विदेश यात्रा की है। तो अगर की है तो आपको यहाँ करना है, अगर नहीं की है तो आपको नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है, तो आपको यहाँ पर यस नो कर देना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोरोना के संपर्क में नहीं आया है। यहाँ पर अगला सवाल है कि आपके घर के 100 मीटर के दायरे में कोई व्यक्ति पिछले 15 दिन में विदेश यात्रा करके आया है, तो यहाँ पर आपको यस नो कर देना है। जो भी आपको उचित लगे, यानी कि जो आपको सटीक लगे, वो आपको यहाँ पर करना है। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर अगला सवाल देखना है, उक्त फॉर्म किसके द्वारा भरा गया है। अगर आप स्वयं भर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर स्वयं द्वारा भरा गया पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो जानकारी होगी वो सेव्ड हो जाएगी। तो इसके जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो जानकारी है वो सेव्ड हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर COVID-19 सिटीजन फॉलो अप भी आपको दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या क्या फॉलो करने हैं सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों ऐसे भी जिसे भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर हेल्थ वर्कर सर्वे भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हेल्थ वर्कर सर्वे सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर हेल्थ वर्कर का काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों COVID-19 सर्वे टीम करेक्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर भी आप सर्वे टीम का विवरण डाल सकते हैं। और यहाँ पर सर्वे के दौरान चिन्हित ILI रोगी सूची पत्र भी आप देख सकते हैं। होम क्वारन मॉनिटरिंग भी आप देख सकते हैं। COVID-19 डेली अपडेट की जानकारी के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सिटीजन सर्वे डैशबोर्ड यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों सिटीजन सर्वे डैशबोर्ड में आपको क्या मिलेगा? दोस्तों सिटीजन सर्वे डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कौन से ज़िले से कितने मेम्बरों ने यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो किया है और यहाँ पर अपनी जानकारी दर्ज कराई है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो जिसे आप पढ़ लें। यहाँ पर दोस्तों आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकने के लिए सरल उपाय दिए गए हैं, तो जिससे आप पढ़कर सावधानी बरत सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों COVID-19 के संबंधित वीडियो भी दिए गए हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें और यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर सिटीजन सर्वे कर लेना है, तो जैसा मैंने आपको करके बताया है वैसे आपको करना है सिंपली। और यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर चैट का, ग्रुप का, यहाँ पर चैनल वगैरह के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मित्र का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको इस साइड भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों इसको तरीके से देखें और यहाँ पर इसके बारे में भी देखें यहाँ पर आपको क्या क्या और सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पर एक कोविड फॉर्म भरा जाएगा, कोविड। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया था नोटिफिकेशन में कि एक यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा, तो यहाँ पर COVID-19 सर्वे फॉर्म अभी आया नहीं है, कमिंग सून दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका इंतजार करना होगा, जब भी ये आएगा तो इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ पर जब तक आप इसके बारे में अच्छे से जान लें, इसे आपको ज़रूर इंस्टॉल करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
कोरोना से बचने के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, घबराए बिल्कुल भी नहीं, अपने हाथों को हर एक घंटे में धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और यहाँ पर अपने घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले जब तक यहाँ पर कोई भी आपको आदेश नहीं मिलता है। थोड़ा सा संयम रखें, धीरज रखें। धन्यवाद।